था, हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है, दिन में होता है, आप सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें, इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए सवेरे, करिए जो कुछ करना करिए, आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते, ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।